عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن افضل الايمان قال ان تحب لله وتبغض لله وان تؤمل لسانك في ذكر الله قال ماذا قال ان تحب للناس ما تحب لنفسك وان تكره لهم ما تكره لنفسك। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ईमान के आमाल में सबसे अफजल अमल कौन सा है। ईमान के बहुत से आमाल हैं, उसमें कौन सा अमल अफजल है? तो आपने फरमाया तुम अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करो और अल्लाह के लिए दुश्मनी करो, और तुम अपनी ज़बान को अल्लाह के ज़िक्र में लगा के रखो हमेशा के लिए। फिर पूछा अल्लाह के लिए इसके बाद कौन सा अमल, फिर पूछा उन्होंने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम लोगों के लिए वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो, और जो चीज़ तुम्हारे लिए नापसंद है लोगों के लिए वही नापसंद करो।